हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम एक नई बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है द सीक्रेट। इसकी राइटर हैं रोंडा बर्न। द सीक्रेट इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिलीव पर लिखी गई है। इस बुक की अब तक 30 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपी बिक चुकी है और इसका 50 से भी ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। अगर आप अपनी लाइफ का सीक्रेट जानकर अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए है। इस बुक में 24 बेहतरीन टीचर्स के संदेशों को बताया गया है जिनका सीक्रेट इस बुक में छुपा है। जब आप इस सीक्रेट को जान जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि रहस्य आपको आपकी हर मनचाही चीज़ को दिला सकता है जो आप पाना चाहते हैं। जैसे आप अपना स्वास्थ्य अच्छा करना चाहते हैं, धनवान होना चाहते हैं या खुश होना चाहते हैं, आप जो भी चाहते हैं आप वो पा सकते हैं, कर सकते हैं या फिर बन सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर, जो एक फिलॉसफर, ऑथर और पर्सनल कोच हैं, वो कहते हैं सीक्रेट आपको सब कुछ देता है, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, हैप्पीनेस या फिर कुछ भी हो। जॉन अश्रफ, जो एक एंटरप्रेन्योर है और मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं हम जो भी चुनते हैं वो पा सकते हैं, चाहे वह कितनी भी बड़ी चीज़ क्यों ना हो, हमें उसको पाने की क्षमता विकसित कर लेनी होती है। डॉक्टर जियो विटाल, जो एक मार्केटिंग एक्सपर्ट, लेखक और एंटरप्रेन्योर है, वो कहते हैं आप कुछ भी पा सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। जब हम सोच रहे होंगे कि आखिर सीक्रेट है क्या, अगर मैं इसका सीधा सा जवाब दूँ तो सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आपने अपने जीवन में खुद उसे अट्रैक्ट किया है और वो उन तस्वीरों के माध्यम से आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है जो आप अपने दिमाग में बनाते हैं। दरअसल जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है आप उसे अपनी जिंदगी में, लाइफ में आकर्षित कर रहे होते हैं। दुनिया के महानतम शिक्षकों का कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। बड़े बड़े कवियों जैसे विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्रॉनिंग और विलियम ब्लेक इसको अपनी कविताओं में बताया है। दुनिया के फेमस चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने इसको अपनी पेंटिंग में दर्शाया है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सिर्फ 1% लोग दुनिया का 96% धन अपने पास रखे हुए हैं? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा आखिरकार क्यों होता है? क्योंकि ये 1% लोग ही रहस्य के बारे में जानते हैं और आज हम उसी रहस्य को द सीक्रेट बुक समरी के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। पहला नंबर है, समान चीज़ें को आकर्षित करती हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसके जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। हर इंसान के अंदर मैग्नेटिक पावर होती है जो दुनिया में सबसे पावरफुल चीज़ है और इसे आप अपने विचारों के जरिए उपयोग में ला सकते हैं। दूसरा नंबर, बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करने। ज़्यादातर लोगों की समस्या यह होती है कि वे उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो कि निगेटिव होती हैं, जो उनको नहीं चाहिए होता है, और उसे ही सोच सोच कर वो परेशान होते हैं। शायद ज़्यादातर लोगों को यह नहीं पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं या नहीं चाहता या किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों को पहचान नहीं सकता है। आकर्षण का नियम आपको वही देता है जिसके बारे में आप लगातार सोचते रहते हैं। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छा सोच रहे हैं या फिर बुरा सोच रहे हैं। अगर आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर यकीन करते हैं या नहीं, चाहे आप इसे समझते हैं या फिर ना समझते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नींद में भी आकर्षण की शक्तियाँ सोने से पहले हमारे आखिरी विचार पर काम करती हैं। इसलिए सोने से पहले हमें सिर्फ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए और जब हम सुबह टाइम उठते हैं तब हमें अच्छी चीज़ों को ही सोचना, विचारना और पढ़ना चाहिए। आपके विचार सीड की तरह काम करते हैं। आप जैसे सीड बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे।
आप जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या फिर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपके जीवन प्रकट होगा। अगर आप इस नियम को नहीं समझते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस नियम को अस्वीकार कर दें, क्योंकि हो सकता है आप बिजली को नहीं समझते हों लेकिन इसके बावजूद आप उसके लाभों को उपयोग में लाते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि बिजली कैसे काम करती है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप बिजली से किसी इंसान के लिए खाना पका सकते हैं। अगर आप अपने मस्ती पर विजय पाना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को शांत रखना सीखना होगा। रोंडा बर्न कहती हैं कि जब तक मैंने रहस्य नहीं खोजा था तब तक मुझे एहसास नहीं था कि मेडिटेशन में कितनी शक्तियाँ होती हैं। साधना मस्तिष्क को शांत करता है, विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है और शरीर में स्फूर्ति देता है। थॉट्स में एक तरह की मैग्नेटिक पावर होती है और जो हमारे विचार रहते हैं इसमें एक फ्रिक्वेंसी होती है। जब हम मन में कोई विचार लाते हैं तो ये यूनिवर्स में पहुँच जाता है और चुंबक की तरह उसी फ्रिक्वेंसी के सेम विचारों को अट्रैक्ट करता है। हर भेजी गई चीज़ें सोर्स के पास जाती हैं, यानी आप तक। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं और अपने विचारों से फ्रिक्वेंसी प्रसारित करते रहते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदल कर फ्रिक्वेंसी बदल लें, क्योंकि बाद में आपके विचार की वस्तु बन जाता है और वही आपकी तरफ आता रहता है। तीसरा नंबर है रहस्य का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द सीक्रेट। अगर किसी इंसान को किसी इमारत से नीचे गिराया जाए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वह इंसान कितना बुरा है या फिर कितना अच्छा, वह निश्चित रूप से ज़मीन पर ही गिरेगा, कहीं हवा में तैरेगा नहीं। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के नियम की वजह से ऐसा संभव होता है। अब गुरुत्वाकर्षण किसी के लिए भी अलग नहीं होता है, इंसान के लिए या बच्ची के लिए, किसी के लिए अलग नहीं होता, सब के लिए समान होता है। लॉ ऑफ ग्रेविटी अपना काम हमेशा करता है। आकर्षण का नियम भी गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सर्वव्यापी है। आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं उन्हें आपने खुद अपनी ओर आकर्षित किया है। इनमें वो भी चीज़ें शामिल हो सकती हैं जिनके बारे में आप परेशान या दुखी हैं। मैं आपकी बात काटकर कहना चाहूँ कि हाँ, आपने इन सब चीज़ों को आकर्षित किया था। इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेंगे तो इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कोई भी चीज़ आपके पास तब तक नहीं आ सकती है जब तक कि आप लगातार इसके बारे में सोचें ना और उसे अपने पास ना बुलाएं। आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसी से आपके भविष्य का निर्माण होता है। अगर आप चिंतित या डर करके या अपनी लाइफ में ऐसी घटनाओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको चिंतित करेगी या फिर आगे चल कर डराएगी। शोधकर्ता बताते हैं कि इंसान के दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं और इंसान को इन 60,000 विचारों में नियंत्रण करना बहुत कठिनाई होगी और निगरानी नहीं कर सकते आदमी। लेकिन हम अपने एहसास पर नियंत्रण कर सकते हैं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। आप उसे बदल सकते हैं। आप क्या सोच रहे हैं यह जानने के लिए खुद से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। भावनाएं मूल्यवान साधन है या आपको तुरंत ही बता दें कि आप अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं। ऑथर रांडा बर्न ने द सीक्रेट बुक में ऐसे 3 स्टेप्स बताए हैं जिनका यूज करके आप अपनी मनचाही चीज आसानी से पा सकते हैं। पहला नंबर है आस्क यानी मांगना, दूसरा नंबर है बिलीव यानी यकीन करना, तीसरा नंबर है रिसीव मतलब पाना। तो पहला नंबर है आस्क मतलब मांगना। सबसे पहले आपको बिल्कुल क्लियर ये पता होना चाहिए कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं तो यूनिवर्स आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं दे पाएगा। इसलिए शांति से बैठकर उस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचें जो आप पाना चाहते हैं और फिर उसे एक कागज़ पर लिखकर अपने पास सुरक्षित रख लें। इसके बाद उस चीज़ को ब्रह्मांड से मांगें। आप यूनिवर्स से अपने लिए कुछ भी मांग सकते हैं, चाहे वो आपकी पसंदीदा गाड़ी हो, घर हो या नौकरी। बस आपके मन में उस चीज़ को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ मुझे मिलेगी या नहीं तो इसका मतलब है कि आप यूनिवर्स और मिक्स फ्रिक्वेंसी भेज रहे हैं, यूनिवर्स की ओर यानी मिक्स्ड फ्रिक्वेंसी भेज रहे हैं।
ऐसी स्थिति में वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। दूसरा नंबर है बिलीव, यानी यकीन करना। अब यकीन करें कि जिस चीज़ को आपने ब्रह्मांड में मांगा है वो उसी पल आपकी हो चुकी है। ऐसा करने से पूरा यूनिवर्स सक्रिय होकर आपकी इमेजिनेशन को साकार करने में लग जाता है। यहाँ यकीन करने का मतलब है कि आपको इस तरह से काम करना, बोलना और सोचना होगा जैसे मानो आपको मांगी हुई चीज़ें मिल चुकी हैं। जब आप इसे पा लेने की फ्रिक्वेंसी भेजते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों, इवेंट्स और परिस्थितियों को आपके अनुकूल बनाने लगता है। आपको यह नहीं सोचना होगा कि ये कैसा होगा या ब्रह्मांड उस चीज़ को आप तक कैसे पहुंचाएगा। ये आपकी चीज़ नहीं है, ये ब्रह्मांड की चीज़ें हैं। इसकी चिंता करना आपका काम नहीं है। अगर आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह काम कैसे होगा तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रिक्वेंसी में आस्था का अभाव होगा। इससे यूनिवर्स आपको वो चीज़ नहीं देगा जो आपको चाहिए। स्टेप 3, रिसीव करना, यानी पाना। जिस चीज़ को आपने मांगा है उसके बारे में इस तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज़ को पाने के बाद महसूस करेंगे, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय और उस चीज़ को पाते हुए महसूस करते समय वो फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स की तरफ जाती है और वो हमको यूनिवर्स में पर्याप्त तब्दीली करके हमारी तरफ भेजता है चीज़ों को। एक बार मांगे फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं और फिर अच्छा महसूस करके उसे पा लें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रिक्वेंसी पर हैं। आखिर इसमें समय कितना लगता है? ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज़ प्रकट करने में देरी नहीं करता है। जो भी देरी होती है वो आपकी वजह से होती है। आप यकीन करने, जानने और महसूस करने की उस जगह तक देरी से पहुंचते हैं जहां आपको यह एहसास होता है कि वह चीज़ आपके पास पहले से मौजूद है। इसलिए आपको अपनी मनचाही चीज़ की फ्रिक्वेंसी तक पहुंचने में समय लग जाता है। आप जितना जल्दी उस फ्रिक्वेंसी पर पहुंचेंगे उतनी जल्दी आपकी मनचाही चीज़ प्रकट हो सकती है।